दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर, और उस वीडियो में हमने आपसे ये पूछा था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आने वाली भर्तियों के बारे में अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी साथियों ने उसमें कमेंट किए हुए हैं। आज हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जुड़े हुए कमेंट हैं। जो हमें पता है सिर्फ हम वही इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ इसमें शेयर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, और जैसे ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पर जॉब या जॉब से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करते हैं, और उसके साथ साथ जो आपके नोट्स हैं उसको भी हम वहाँ पर शेयर करते हैं फ्री में। आप वहाँ से सभी सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर, जो हमारा मेन मुद्दा है। तो दोस्तों, ये बात तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हरियाणा में डीसी रेट और जो ठेकेदारी प्रथा है उसको बंद कर और एक निगम का गठन किया गया था, और वो निगम है आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम। अब हरियाणा में डीसी रेट के तहत होने वाली भर्तियाँ सभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत करवाई जाएंगी। कि जिस प्रकार से आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियाँ होती हैं वो HSC के द्वारा करवाई जाती हैं, तो उसी प्रकार से जो डीसी रेट की आपकी भर्तियाँ होंगी वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, इसमें तो ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो बेसिक बातें हैं तो आप सभी को पता भी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कमेंटों की। तो कमेंट में सबसे पहला जो कमेंट उठाएंगे हमें वो ये है कि हरियाणा रोडवेज में चालक और परिचालकों के पदों पर भर्ती आई थी और जिसकी 7 तारीख यानी कि आज उसकी लास्ट डेट थी। तो इसमें काफ़ी कमेंट ये आए हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो पाया, हम परिचालक के लिए अप्लाई कर रहे थे। कुछ का कमेंट ये आया हुआ था कि हम ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो दोस्तों, उसमें जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके अप्लाई नहीं हो रहे थे, और अप्लाई उनके भी नहीं हो रहे थे जो पहले जो अब करना चाहते थे उनके भी वहाँ पर उस पोर्टल पर जो है वो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब जॉब के ऑप्शन में आप जाते हैं, जैसे ही आप जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो वैकेंट जॉब की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी योगा कोच वाली भर्ती के रजिस्ट्रेशन चल रहे थे और जिसके लास्ट डेट 6 अप्रैल थी। तो 6 अप्रैल तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना था, और इसमें जो फ्रेश कैंडिडेट थे वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। और दोस्तों, जो जिनने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यानी कि जो कैंडिडेट पहले कहीं डीसी रेट पर लगे हुए थे, दोस्तों उनके बारे में बात कर रहा हूँ अब, उनको क्या करना था, सिर्फ उनने पहले तो रजिस्ट्रेशन अपना करवा रखा था, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस नवंबर में स्टार्ट हो गई थी, और नवंबर के बाद सभी लगभग जो कैंडिडेट हैं और जिन्होंने पहले डीसी रेट पे कहीं पर काम किया हुआ है तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करवा लिया था। उनको खाली क्या करना था, यहाँ पर लॉगिन वाले पर क्लिक करना था। लॉगिन वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने यूज़र आईडी डालनी थी। जो आपकी यूज़र आईडी आपको मिली होगी जब फॉर्म पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय, तो यहाँ पर डालने के बाद ये कैप्चा कोड को फ्लिप करके अपने लॉगिन करना था। खाली आपका ये काम था, और उसमें क्या करना था कि आपके पास जॉब डिटेल वाला पेज ओपन हो जाता था। ये मैं जो पहले से जो रजिस्ट्रेशन है उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपका जो पेज ओपन होता था उसमें क्या करना था, नीचे एक लेफ़्ट साइड में एक पॉपअप दिया गया था, उसमें अपने टिक मार्क करना था क्या आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं हैं। खाली इतना करने के बाद राइट साइड में एक कन्फर्म का ऑप्शन दिया गया था, उस कन्फर्म वाले पर आपने क्लिक करना था। तो ये तो थी सिर्फ ये प्रोसेस है। और जो नए कैंडिडेट थे उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुला हुआ था, अब तो ये क्लोज हो चुका है। उन्होंने सिर्फ क्या करना था कि जो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो नया पेज ओपन होता था उसमें जो डिटेल मांगी गई थी वो सब डिटेल यहाँ पर भरनी थी। तो दोस्तों, इसी कारण इसमें देख सकते हैं कि आपका जो हरियाणा रोडवेज की कोई भर्ती यहाँ पर नहीं दी गई है। हरियाणा रोडवेज में भर्ती आएंगी
तो इसकी सूचना हम आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे और वीडियो के माध्यम से भी आपको बता देंगे कि कौन कौन इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकेंगे और कितने पदों पर ये भर्ती रहने वाली है, किस प्रकार से और क्या प्रोसेस इस भर्ती की रहने वाली है। और दोस्तों, कंडक्टर की भर्ती आने से पहले TGT के पदों पर जो शिक्षक के पद हैं उन पर एक बड़ी भर्ती आने वाली है, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट अब जल्द ही होने वाले हैं क्योंकि उसका ऑफिशियली जो नोटिस है वो तो जारी हो चुका है। हमने उस पर वीडियो भी बना रखी है उस नोटिस पर, और जो नोटिस की PDF फाइल है वो हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है। तो दोस्तों, ये थी आपकी हरियाणा रोडवेज से जुड़ी जानकारी। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में। अभी तो सिर्फ फ़िलहाल उनके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जिन्होंने पहले कहीं पर DC रेट के तहत काम किया था, तो उनके तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने अपना जो परिवार पहचान पत्र है उसकी ID, जो फैमिली ID वो यहाँ पर डालनी थी, और डिस्प्ले मेंबर पर आपने क्लिक करना होता था और अपने जो डिस्प्ले में आपके मेंबर आते हैं, आपकी पूरी फैमिली के मेंबर आ जाते हैं, वहाँ पर अपने अपने नाम को सिलेक्ट वहाँ से कर लेना था। तो इसमें तो सिर्फ ये प्रोसेस थी, बाकी अभी जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि सरकार ने तो बोल दिया कि जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन एक महीना लगभग हो चुका है उन बातों को कि जो ये बोल रहे थे कि फ्रेश कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन जो हरियाणा रोडवेज में भर्ती आएंगी ड्राइवर के पदों पर और कंडक्टर के पदों पर, तो उसमें फ्रेश कैंडिडेट जो हैं वो आवेदन कर सकेंगे क्योंकि ड्राइवर तो पहले लगा लिए गए हैं जो आपके DC रेट के तहत कहीं ना कहीं पहले किसी न किसी डिपार्टमेंट में लगे होंगे, लेकिन कंडक्टर नहीं लगाए गए हैं। कंडक्टर सिर्फ और सिर्फ लगाए गए थे जब हड़ताल हुई थी 2018 में रोडवेज की, उस समय कंडक्टर लगाए गए थे। तो दोस्तों, उस समय तो काफ़ी कम कंडक्टर थे वो तो, लेकिन अब इसमें फ्रेश कैंडिडेट जो हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। और बाकी जो इसका पोर्टल लॉन्च होगा उसके बाद आपको पता लगेगा कन्फर्म। तो बाकी हमें जो जानकारी मिली है उतनी ये है कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी आपके साथ, सभी के साथ शेयर की है। इसमें मैंने मेन टॉपिक उठाए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मेन टॉपिक पर हमने चर्चा की है। बाकी अगर फिर भी कुछ आपके डाउट रह गए हों भर्ती से रिलेटेड तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं एक बात और कन्फर्म कर देता हूँ, कल 700 के करीब ड्राइवर के पदों पर ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए गए हैं, और किस प्रकार से अपने ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड करना है वो प्रोसेस हमने बता रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और आपने खुद को ही अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो डाउनलोड करना होगा क्योंकि जो अपने फैमिली ID में नंबर दिया हुआ है उस पर SMS आएगा और उस SMS में एक लिंक दिया गया है, और जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट आप हरियाणा कौशल रोज़गार निगम की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आपके पास जो कैंडिडेट डिटेल हैं वो आपके पास पूछी जाएंगी और अपने फैमिली ID को डालकर वहाँ पर लॉगिन करना होगा। और उसमें भी सेम प्रोसेस रहने वाली दोस्तों, उसमें लेफ्ट साइड इंटरेस्ट नोट इंटरेस्ट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो अपने इंटरेस्ट वाले पर क्लिक करना है अगर आप इस भर्ती को करना चाहते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो अपने नोट इंटरेस्ट वाले पर करके, और जो राइट साइड में कन्फर्म का जो ऑप्शन दिया गया है उस पर आपने क्लिक करना था और आपका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड हो जाता था वहाँ से अगर आपने यस किया है तो। और उस ज्वाइनिंग लेटर में आपकी सभी डिटेल दी गई हैं, कितनी आपको सैलरी मिलेगी और किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिली है और कहाँ पर आपने हरियाणा में नौकरी मिली है, ये सभी डिटेल उसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर में मिल जाएंगी। और दोस्तों, उसमें समय और डेट भी दी गई है कि कब आपने वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है और किस समय आपने रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लेकर जाने हैं, ये कंप्लीट डिटेल उस आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें आपको मिल जाएंगी। उसका आपने बाद में PDF को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकलवा लेना है क्योंकि वो भी वहाँ पर शायद जमा करेंगे, तो इसलिए बाकी उसमें सभी डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के तहत जुड़ी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें क्योंकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। काफ़ी कॉमेंट आते हैं दोस्तों, सभी के कॉमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन जानकारी
शेयर कर दी गई हैं। तो दोस्तों,